Of exercise 4.3. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. एक rectangular field है, उसका diagonal उसकी shorter side से 60 meter ज्यादा है. And if the longer side is 30 meter more than the shorter side, और जो longer side है वो shorter side से कितनी बड़ी है, 30. तो दोनों का relation किसके साथ है, shorter side के साथ. Diagonal shorter side से 60 बड़ा है और longer side shorter side से 30 बड़ी है. फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. अब फील्ड की साइड फाइंड आउट करने, मतलब रेक्टेंगुलर की साइड में समय शॉर्टर और लॉन्गर साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब ये शॉर्टर साइड ले ली हमने, जो कि ब्रेड्थ हो गई रेक्टेंगल की, और लेंथ को क्या हो गई, लॉन्गर साइड. तो शॉर्टर साइड को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स, क्योंकि जो लॉन्गर और डायगनल दोनों का जो रिलेशन था वो शॉर्टर साइड के साथ था, इसलिए शॉर्टर साइड को हमने लेट कर लिया एक्स. अब लॉन्गर साइड जो शॉर्टर साइड से 30 बड़ी थी, 30 मोर देन मतलब जो एक्स शॉर्टर थी उससे 30 ज्यादा, मतलब 30 प्लस एक्स. ऐसे डायगनल उससे 60 मोर था, तो मतलब 60 प्लस एक्स. तीनों वैल्यूज राइट कर दी. अब हमें जो साइड्स निकालनी है, मतलब शॉर्टर और लॉन्गर साइड दोनों निकालनी है, डायगनल नहीं निकालना, बिकॉज डायगनल इस फील्ड की कोई साइड नहीं है. साइड कहा गया मतलब आपको लेंथ और ब्रेड फाइंड आउट करनी है हमें. अब इनकी साइड हम कैसे निकालेंगे, अब देखो जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो सभी एंगल होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. 90 डिग्री के मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड पता है, तो उसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, वहां से इन तीनों में रिलेशन आ जाएगा एक, उस रिलेशन से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो एच का स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एच कितनी है, 60 प्लस एक्स, जो कि हमारा डायगनल है, इक्वल होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर. तो आ गई कंडीशन हमारे पास, एक इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास. सिर्फ आपने यह याद रखना है इसमें कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के जो सभी एंगल होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 के. तो वहां से हमें एक पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक रिलेशन फॉर्म कर दिया. अब स्केयरिंग है इसमें, होल स्केयर है, होल स्केयर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर. ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab. अब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें. अब ए का मतलब है 60, बी का मतलब क्या है इसमें, एक्स. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 60 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई एक्स हो गया ओपन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज. अब सेम 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे. अब ए के प्लेस पर 30 है, बी के प्लेस पर एक्स, तो इसमें भी सेम 30 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई एक्स. अब ये एक्स का स्क्वायर, ये एक्स के सेम साइन है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे ये कैंसिल, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस. तो एक्स के माइनस एक्स उससे क्या हो जाएंगे, 0. अब 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600 प्लस 62 जा 120x इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर 900, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा, 32 जा 60x. अब सब वैल्यूज को एक साइड पे लेके जाते हैं, सभी को राइट साइड पर लेके आएंगे. तो राइट साइड की वैल्यूज पहले राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 60x प्लस 900. अब प्लस का 3600 ही आके क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस का 120 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 120x इक्वल्स टू में 0. अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब 60x माइनस का 120x, ये सेम हो गई, लाइक टर्म्स है दोनों, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, प्लस माइनस माइनस. तो 120 में से 60 गए 60,
स्टील साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, बिकॉज जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव है. अब 900 माइनस 3600, तो 3600 में से 900 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2700, विच इज इक्वल टू जीरो, बट साइन माइनस, बिकॉज 3600 ग्रेटर है, उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई. अब बस इससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू माइनस का 60, सी की वैल्यू माइनस का 2700. आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर सकते हो, उसमें आपके फैक्टर हो जाएंगे 90 और 30, माइनस का 90 प्लस का 30, तो वो माइनस 90 प्लस 30 माइनस 60 आ जाएगा, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700. आप उससे भी कर सकते हो. अब आ गया, उसके बाद क्या निकालते हैं? सबसे पहले डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी का मतलब माइनस का 60 का स्क्वेयर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस का 2700. ठीक है, 60 का स्क्वेयर 3600, माइनस का स्क्वेयर प्लस ही होता है, माइनस माइनस प्लस, 27 4 7 4 28, कैरी 2, 4 2 8 2 10 एंड 2 0s. इन्हें प्लस करेंगे कितना आएगा? 14400. ये आगे डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, डेट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे. सो एक्स की वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय में 2a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 60 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी आई है? 14400 बाय में 2a, a की वैल्यू कितनी है? 1. माइनस माइनस प्लस का 60 प्लस माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, तो हो गया 12, और ये बच गया मिज पीछे 100 किसका होता है? 10 का. तो ये इसका रूट कितना आ जाएगा? 120 बाय में 2. तो दो वैल्यूज क्या हो गई यहाँ से? एक तो 60 प्लस का 120 बाय 2, और एक बार 60 माइनस का 120 बाय में 2. अब 60 प्लस 120 कितना हो गया? 180 बाय में 2, और ये कितना आएगा? माइनस का 60 बाय 2, ये वैल्यू तो आ गई 90, ये आ गया माइनस 30. बट एक्स की वैल्यू माइनस 30 तो रिजेक्ट हो जाएगी. यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है ना, एक्स की 90 और एक्स की माइनस का 30, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजेक्ट. क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्योंकि जो एक्स है वो साइड है रेक्टेंगल की, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती. तो इसका रीजन लिखोगे बिकॉज साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. तो इसलिए जो एक्स की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 90. एक्स की 90 आ गई, इसका मतलब जो शॉर्टर साइड है वो कितनी हो गई? 90, और लॉन्गर साइड 30 प्लस 90 मतलब 120. ठीक है, तो शॉर्टर साइड 90 एंड लॉन्गर साइड इज 120 मीटर. क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. कि दो नंबर्स हैं उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस नहीं है ये, उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस. जैसे मान लो अगर दो नंबर ए और बी हैं, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू है ये कितनी? 180. ठीक है, कोई भी दो नंबर है उनके स्क्वेयर का डिफरेंस मतलब उनका माइनस 180 के इक्वल है. द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर. और ये कह रहे हैं जो स्मॉलर नंबर है ना वो 8 टाइम है लार्जर नंबर. द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वेयर, ठीक है, वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है, मतलब उसका 8 मल्टीप्लाई लार्जर नंबर. तो हमने उन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि वो दोनों नंबर्स क्या होंगे. तो लेट कर लिया, सबसे पहले लार्जर नंबर एक्स है, स्मॉलर नंबर वाई है. अब कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंस है स्क्वेयर ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर के स्क्वेयर का डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? 180. ये एक इक्वेशन आ गई. एक कंडीशन है कि दोनों नंबर्स के स्क्वेयर्स का डिफरेंस 180 है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 180. अब उसके बाद बोला हुआ है जो लॉन्गर साइड, सॉरी, जो हमारा द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वेयर मतलब स्मॉलर नंबर क्या है? वाई. तो स्मॉलर नंबर का स्क्वेयर इक्वल है हमारे पास 8 टाइम द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मतलब x, 8x. तो y स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 8x.
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं. पुट वैल्यू ऑफ वाई वाई स्क्वायर इन इक्वेशन वन. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या आएगा 8x प्लस 180 इधर आके माइनस 180 बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, बस दोनों नंबर हमने लेट कर लिए x और y, तो उनका जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस है 180 और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का मतलब y स्क्वायर वो 8 टाइम है लार्जर नंबर मतलब 8x. तो वहां से y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8x और ये y स्क्वायर की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी. जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी ये हमारी क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको आप एक टाइप से और भी कर सकते हैं, अगर हम मान लो y ना लेट करें एक ही वेरिएबल में करें, क्योंकि जो हमारी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो वन वेरिएबल में है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेट कर लो जो लार्जर नंबर है वो तो लेट कर लिया x, तो आप स्मॉलर नंबर ना लेट करके आप ये भी लेट कर सकते हो कि स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर डायरेक्ट स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर. अगर लार्जर नंबर x है तो स्मॉलर नंबर का स्केयर क्या हो जाएगा 8 टाइम लार्जर नंबर, तो x लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का स्केयर क्या हो जाएगा 8x. ठीक है, उसके बाद इक्वेशन क्या दी हुई है हमें कि दोनों नंबर के स्केयर का डिफरेंस 180 है, तो लार्जर नंबर का स्केयर क्या होगा x स्केयर और जो स्मॉलर नंबर का स्केयर है वो ऑलरेडी क्या 8x, इसका स्केयर हम नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी जो 8x है वो स्मॉलर नंबर का स्केयर ही है. तो एक्स स्केयर माइनस 8x और डिफरेंस कितना है 180. एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन सेम ही आएगी, कैसे भी कर सकते हो, अगर एक ही वेरिएबल में लो तो इस टाइप से करोगे. ये मैंने इसलिए ऐसा करवाया था क्योंकि ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं उसमें गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं एक्स स्केयर माइनस इसका भी स्केयर कर देते हैं, और इसका स्केयर करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज जो हमने 8x लिया है वो ऑलरेडी ही स्मॉलर नंबर का स्केयर है, तो इसलिए उसका दोबारा से स्केयर नहीं करना. ठीक है, तो आपको इनमें से जो भी मेथड इजी लगे आप वैसे ही स्टार्टिंग से स्टेटमेंट को बना सकते हो. उसके बाद सब सेम ही है, सिर्फ यहाँ तक का ही डिफरेंस था, और एक डिफरेंस लास्ट में आता है जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, उस केस में हम स्मॉलर नंबर निकालने के लिए इसका अंडर रूट करना पड़ेगा जो कि हम स्किप कर देते हैं, बट इस केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए आप ये करो. अदरवाइज अगर आप ये भी ठीक से कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, कोई भी ऑप्ट कर लो, दोनों ही ठीक है. अब इसे सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. मैं इसे सेपरेटिंग द मिडल टर्म से करके दिखा रही हूँ आपको. क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 180 और सब्ट्रैक्ट करने पर 8. ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, तो 10 और 18, तो 18x और 10x. ये माइनस का है तो बड़े वाला माइनस छोटे वाला प्लस. अब देखो 18 में से 10 गए 8, ठीक है, और 18 मल्टीप्लाई 10 माइनस का 180 आ जाएगा माइनस 180 विच इज इक्वल टू 0. अब सेम इनका पेयर x x माइनस 18. आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, दोनों 10 की टेबल पे जा रहे हैं, तो x माइनस 18 तो सेम बन गए x माइनस 18 और जो क्या बच गया x प्लस 10. तो यहाँ से x आइदर x माइनस 18 0 या फिर x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू आ गई प्लस का 18 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 10. ठीक है, अब x की वैल्यूज आ गई 18 और माइनस का 10. अभी हम नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी बिकॉज नंबर्स हैं, नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू तो आ गई मतलब लार्जर नंबर हमारे पास आ गया, अब हमें क्या निकालना है स्मॉलर नंबर. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, अगर x की वैल्यू माइनस का 10 है उस केस में जो लार्जर नंबर है वो कितना हो जाएगा माइनस का 10 और जो स्मॉलर नंबर है वो कितना होगा. स्मॉलर नंबर तो हमारा y है और हमें पता है जो y स्क्वायर की वैल्यू है 8x है, तो यहाँ से पहले हमें y निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इस स्टेप से पहले हम पहले x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू निकालते हैं. तो अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में सेकंड में. ठीक है, तो पुट पहले x की वैल्यू माइनस 10, हमने माइनस 10 माना है ना x को,
तो अगर x की वैल्यू माइनस 10 करते हैं इन इक्वेशन सेकंड में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, 8x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो जो स्केयर है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। क्या कभी भी जो स्केयर है किसी भी नंबर का, क्या वो कभी भी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम माइनस का स्केयर भी करते हैं तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो x की माइनस 10 है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। तो अब डायरेक्टली यही से दिखा दोगे, सबसे पहले ये लेट करने की नीड नहीं है, सिंपल x की वैल्यू माइनस 10 लेके चलते हैं, पहले पुट कर दी सेकेंड इक्वेशन में x की माइनस 10, वहां से पहले ही हमारी जो x की माइनस 10 वो क्या हो गई, रिजेक्टेड। अब क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 18 इन इक्वेशन 2, नाउ पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 18 पुट करेंगे, तो y स्क्वायर कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई 18, 18 8 जा कितना हो जाता है 144, तो y का स्केयर है 144, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जैसे ही स्केयरिंग हटाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 144, और 144 किसका स्केयर होता है, 12 का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी स्केयरिंग हटाएंगे तो वो प्लस माइनस में ओपन होते हैं, क्यों, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि 144 की प्लस 12 से आया या माइनस 12, क्योंकि अगर हम 12 का स्केयर करेंगे तब भी 144 आएगा, माइनस 12 का स्केयर करेंगे तब भी कितना आएगा, 144। तो इसीलिए जब भी स्केयरिंग हटाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस दोनों सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी साइड क्या आ गई, लार्जर साइड, तो कितनी आएगी, लार्जर नंबर तो क्या आएगा, 18 आएगा, और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या आएगा, प्लस माइनस 12, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आंसर क्या हो गया, एक बार 18 और प्लस का 12, और 18 और माइनस का 12, लार्जर सेम ही रहेगी, बस स्मॉलर प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या है कि एक ट्रेन है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है सेम स्पीड से, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो वो एक घंटा कम लेगी उसी सेम जर्नी को, मतलब 360 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो उस केस में आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म किया था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सभी ही क्वेश्चन जो स्टेटमेंट सम है, ये सभी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमें 360 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस हमारा कितना है 360, और स्पीड कितनी लेट किया हमने x, तो 360 बाय x, ये आ गया टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अब उसके बाद क्या है कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो नई स्पीड कितनी आ जाएगी, x पहले ही थी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो अब कितनी हो गई, x प्लस 5, ठीक है। और टाइम क्या होगा उस केस में, डिस्टेंस तो सेम ही है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस सेम है 360 किलोमीटर, बट टाइम और सॉरी स्पीड हमारी चेंज हो गई, वो क्या हो गई, x प्लस 5। तो अब टाइम क्या आ गया, 360 बाय x प्लस 5। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो एक घंटे का टाइम हमें कम लगता है। अब देखो वो माइनस होना भी एक सिंपल सी चीज़ है, मान लो कि मैंने कहा कि जो पहले हम जैसे जिस भी स्पीड, अगर x किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे तो उस केस में हमें 5 आवर्स का टाइम लगता था, ठीक है, और अब मान लो स्पीड बढ़ा दी तो उसने कहा एक घंटा कम लगता है, एक घंटा कम मतलब 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब दोनों आ गए कि पहले जा रहे थे तो ये 5 घंटे लग रहे थे, 360 बाय x का मतलब 5 आवर्स, और अब स्पीड बढ़ाने के बाद 4 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 360 बाय में x प्लस 5 आवर्स। अब अगर मुझे दोनों को इक्वल रखना है तो इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसमें अगर 1 ऐड कर दूंगी, ठीक है, अगर इसमें 1 ऐड कर दूंगी
तब दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर मुझे ऐड नहीं करना, अब इन्होंने बोला 1 आवर लेस, तो मैं अगर इसमें से 1 माइनस कर देती हूँ तब भी इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो वही सिचुएशन हमारे पास यह है कि जो हमारा पहले वाला टाइम था और ये अब वाला टाइम है, दोनों को इक्वल करने के लिए 1 आवर क्या करेंगे हम इसमें से लेस। तो इसमें आपने सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। आपके पास जो एक्स वाली होगी ना, जो मतलब पहले वाली स्पीड होगी ना, आपको प्लस माइनस हमेशा उसी में से करना है, ठीक है। सेकंड वाली जो न्यू स्पीड आएगी वो एज इट इज इक्वल में रखोगे। जो भी प्लस माइनस आपको करना है 1, वो हमेशा आप एक्स वाली में ही करोगे। वो कैसे करोगे, अब जैसे बोला हुआ है ना इसमें कि टाइम 1 आवर लेस लगेगा, तो उस केस में -1, और 1 आवर मोर होता तो यहाँ पे +1, ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि पहले 5 आवर्स थे, अब 4, तो अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो इक्वल करने के लिए पहले वाले को भी 1 घंटा कम, तब दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको इधर ऐड यहाँ करना है तो यहाँ हमेशा अपोजिट करना पड़ेगा, लेस का है तो हमें यह प्लस करना पड़ेगा, मोर का है तो माइनस। तो उससे इतनी कन्फ्यूजन आप क्रिएट मत करो, सिंपल एक छोटी सी बात ट्रिक बोल सकते हो उसे, कि इस टाइप की क्वेश्चन को बनाने की एक ट्रिक है, या कैसे भी कह सकते हो। वो एक सिंपल सी बात हमें याद रखनी है, जो भी प्लस माइनस हमें टाइम को करना है वो हमेशा एक्स वाली में ही करना है, ठीक है। लेस 1 का है तो -1 करना है, लेस मोर का है तो +1। अब इसमें कुछ भी मत करना, इसी में करना हर बार, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बस अब आगे सेम, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एक्स और इंटू एक्स प्लस 5। अब x से x कैंसिल, तो क्या आ गया 360 इंटू एक्स प्लस 5, -1 है तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे x प्लस 5, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, 360 की मल्टीप्लाई x के साथ। अब दोनों साइड का एलसीएम लिया है तो डिनोमिनेटर, सॉरी, जो हमारा एलसीएम है वो खत्म हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई, बस इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 की भी दोनों के साथ, x भी दोनों के साथ, और ये एज इट इज, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके ही आ गया 360 के x का 360x, 5 के साथ 1800, माइनस का x स्क्वायर, साइन बार माइनस है तो दोनों साइन चेंज, x के 5 के साथ 5x, ये एज इट इज। अब 360x है इसके साथ, ये दोनों कैंसिल, अपोजिट साइड पे हैं, सेम साइन है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1800 हमारे पास आ गया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी साइड्स को उस साइड पे ले जाएंगे, या फिर अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ए की वैल्यू -1, बी की -5 ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज अब क्या करते हैं, इसमें सबको उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज, माइनस का एक्स स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x, ऐसे ये माइनस का 1800। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक से करो या फिर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x, 45 में 40 गए 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1800। सेम इनमें से कॉमन ले लेते हैं x, क्या बच गया x प्लस 45, अब दोनों में से माइनस कॉमन 40। आई होप अब तक तो सबको मेथड्स ये स्प्लिटिंग करना मिडिल टर्म को आ गया होगा। बस इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इसमें प्रॉब्लम कम होगी। अब यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस, बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया, अब 40 की टेबल भी आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 45। अब सेम वाले को एक साथ कर लेते हैं, पहले x प्लस 45, अब जो बचा उसे नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 40। अब यहाँ से x प्लस 45 या तो 0 के इक्वल, या फिर x माइनस 40 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 45, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 40, ये क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, एज स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो ये फिनिश, तो x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू 40 आ गई, तो डेट मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई, क्योंकि हमें स्पीड ही निकालनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर्स, कि दो वाटर टैप हैं, दोनों मिलकर एक टैंक को 9:3/8 मतलब 75/8 आवर्स में फिल करते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, जो लार्जर डायमीटर मतलब जिसका डायमीटर, जो नीचे सर्कुलर पार्ट होगा
ये जो वैल्यू है, क्योंकि जो पाइप है हमेशा वो ऐसे सर्कुलर शेप में होगी, जो कि सिलेंड्रिकल शेप होती है, जिसकी टॉप और बॉटम कैसी होती है, सिलेंड्रिकल सॉरी सर्कल की शेप में। तो उसका जो लार्जर डायमीटर है, वो जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब जो लार्ज वाली टैप है वो 10 आवर कम लेती है स्मॉलर वन से। अब ऑब्वियस है जो स्मॉलर होगी वो टाइम ज़्यादा लगाएगी और लार्जर वाली बड़ा ज़्यादा सॉरी कम टाइम लगाएगी, ठीक है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली, दोनों का अलग अलग, लार्जर डायमीटर वाली टैप का भी और स्मॉलर टैप वाली स्मॉलर डायमीटर वाली टैप, दोनों का ही अलग अलग से हमें टाइम निकालना है कि कितना कितना टाइम वो लगाएंगी इसको फिल करने में। टुगेदर का टाइम दिया हुआ है और सेपरेट सेपरेट का हमें निकालना है। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर वाली जो टैप है उसका टाइम लेट कर लिया, एक्स आवर लेती है। तो अब स्मॉलर वाली कितना लेगी, अब जो लार्जर थी वो स्मॉलर से 10 कम लेती थी, मतलब स्मॉलर उसे 10 ज़्यादा लेगी, एक्स प्लस 10। नहीं तो आप ऐसे भी लेट कर सकते हो, स्मॉलर का एक्स इसका एक्स माइनस 10, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि लार्जर एक्स है तो स्मॉलर ऑब्वियस है ज़्यादा लेगी, कितना 10 आवर्स, तो एक्स प्लस 10। और दोनों के ने जो टोटल टाइम लिया वो कितना है, 9 is 3/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 is 72 plus 375/8। अब हमें पता है जब भी हम टाइम और डिस्टेंस इस टाइप की क्वेश्चंस कर, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में हमेशा हम उसका कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल से, ठीक है। अब इसमें हमें क्योंकि दोनों का कंबाइंड टाइम दिया हुआ है कि 75/8 आवर्स लगाएंगे और दोनों का सेपरेट सेपरेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब भी आप वर्क और टाइम के क्वेश्चंस करते हो उस केस में हमेशा हम उसका रेसिप्रोकल करके काम करते हैं। तो इस केस में x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, और स्मॉलर का 1/x + 10, और इनको रेसिप्रोकल किया तो टोटल का भी करना पड़ेगा हमें 8/75। ये क्यों आता है, मतलब जैसे ये है ना कि जैसे लार्जर डायमीटर टोटल आवर लेता है एक्स, तो अगर हम उसका ये निकाले कि वो 1 आवर में कितना काम करेगा, टोटल काम को एक्स घंटों में पूरा करता है, तो 1 घंटे में उसका एक्स पार्ट मतलब 1/x करेगा, ठीक है। ये चीज़ इससे समझ सकते हो आप, मान लो कोई भी एक पर्सन है एक काम को 2 आवर्स में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो वो 1 आवर में कितना काम करेगा, उसका हाफ काम कर लेगा ना 1 आवर में, उसका हाफ मतलब 1/2, इसलिए उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो जब भी वर्क और टाइम के क्वेश्चन आएंगे हमेशा आप उसका सबसे पहले क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। अब इनका रेसिप्रोकल हुआ जो टोटल टाइम का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो बस अब सेम इनका हमने क्या कर लिया, फिर से एलसीएम ले लिया, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 75 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स प्लस 10 के साथ, अब एक्स प्लस 10 कैंसिल तो 75x आ गया, ऐसे 75 कैंसिल 8x into x + 10। अब एलसीएम हट जाएगा बिकॉज दोनों साइड का एलसीएम लिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई इनको सॉल्व करके, तो पूरी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू -70 और सी की वैल्यू माइनस का 750। तो डी क्या होता है, बी स्केयर माइनस का 4ac, तो बी मतलब -70 का स्केयर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 8 इंटू माइनस का 750। इनकी कैलकुलेशन करके क्या गया, 24,000, इनको प्लस करेंगे तो 28900, ये आ गई डी की वैल्यू। अब एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय में 2a, माइनस का बी, बी की वैल्यू है माइनस का 70, तो माइनस माइनस 70 प्लस माइनस अंडर रूट 28900 बाय में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8, माइनस माइनस प्लस 70 प्लस माइनस 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो और पीछे 100 हो गया तो 170, 8 2 16, अब टू वैल्यूज ले ली, 70 plus 170/16 और 70 minus 170/16। एक बार प्लस का ले लिया माइनस, प्लस करके आगे 240/16 और माइनस करेंगे -100/16, ये रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज जो टाइम है वो कभी नेगेटिव में नहीं होगा। तो 15 आ गया x की वैल्यू, मतलब जो लार्जर का डायमीटर का टाइम होगा वो कितना होगा 15, और स्मॉलर का कितना हो जाएगा 15 plus 10 25, तो आंसर कितने आ जाएंगे 15 और 25। तो लास्ट में आप राइट कर दोगे, टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज 15 एंड द बाय स्मॉलर डायमीटर वाले टैप का 10 plus 15 कितना हो जाएगा 25 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 8 की तरह ही है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन
to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से एक घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है. और जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ए पैसेंजर. अब हमें पता है जब एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है रेदर देन पैसेंजर ट्रेन. तो कितनी ज़्यादा है, पैसेंजर की जितनी भी है उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की. तो अब दोनों की एवरेज ट्रेन हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले लेट कर ली एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी लेट कर ली हमने, एक्स किलोमीटर पर आवर. और उसके बाद बोला हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है. तो एक्स तो पैसेंजर की थी उससे 11 ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस 11 किसकी स्पीड हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की. और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 132 किलोमीटर. टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड. अब तो टाइम दोनों ट्रेन का निकाल लेते हैं अलग अलग. पैसेंजर का क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 132 और पैसेंजर की स्पीड मतलब एक्स 132/x. ऐसी एक्सप्रेस डिस्टेंस सेम है, टाइम उसकी स्पीड कितनी है एक्स प्लस 11, तो बाय में एक्स प्लस 11 दोनों का टाइम आ गया. अब जो बताया था कि जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, तो दोनों के टाइम इक्वल कब होंगे, जब पैसेंजर ट्रेन में से 1 आवर कम. देखो वही तो हुआ ना, अब जो ये है एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना होगा, पैसेंजर से 1 कम, पैसेंजर में से 1 माइनस. और वो ट्रिक भी याद रख सकते हो कि हमेशा जो प्लस माइनस करना है वो किस में से करेंगे, एक्स वाली में से. लेस देन है तो माइनस, मोर देन है तो माइनस. यहाँ पे क्या है हमारे पास, लेस देन, ठीक है. तो बस अब सेम वही एलसीएम ले लिया एक्स और एक्स प्लस 11. अब इनको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इसको 0, क्योंकि नेगेटिव में थी सब वैल्यूज को मैं किधर ले आई, राइट साइड में आ गई यहाँ तक. अब इसके फैक्टराइज कर दिया इसको. अब प्लस का 11 चाहिए एड सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1452. तो क्या ले लिया मैंने फैक्टर्स, 44 एंड 33. प्लस का चाहिए तो प्लस वाला बड़ा, माइनस का छोटा. तो 44x माइनस 33 कितना होगा, 11. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452. अब सेम इन दोनों पेयर में से x कॉमन आ गया तो ये वैल्यू आ गई, इनमें से माइनस 33 कॉमन आ गया तो x प्लस का 44. तो ये दो फैक्टर हो गए, इधर ये 0 या फिर ये 0. तो अब माइनस 44 स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये रिजेक्ट हो गई. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33. तो x किसकी वैल्यू थी, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 33. और एक्सप्रेस की कितनी थी, x प्लस 11, मतलब 33 प्लस 11 डेट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर. तो ये दोनों स्पीड आ गई, ये दोनों हमारे आंसर आ गए. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर. दो स्क्वेयर्स हैं उनके जो एरिया का सम है, सॉरी सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वेयर्स, हाँ, तो स्क्वेयर्स के जो एरिया है उनका प्लस है 468 के इक्वल और पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 मीटर. फाइंड द साइड, दोनों साइड की हमें स्क्वेयर की साइड फाइंड आउट करनी है. लेट कर ली कि फर्स्ट स्क्वेयर की जो साइड है वो कितनी है, एक्स मीटर, और सेकंड को क्या लेट कर लिया, वाई. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड और पैरामीटर का 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है. अब इन्होंने बोला है कि जो दोनों स्क्वेयर्स हैं उनके एरिया का सम. अब फर्स्ट स्क्वेयर है इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब फर्स्ट का होगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और सेकंड का क्या होगा, वाई मल्टीप्लाई वाई, मतलब कि वाई स्क्वेयर. तो फर्स्ट का एरिया आ गया एक्स स्क्वेयर, सेकंड का वाई स्क्वेयर, और दोनों का सम मतलब दोनों का प्लस इक्वल है 468 के, ठीक है. यहां से एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया उसे, ठीक है. अब सेकंड थी कि पैरामीटर का डिफरेंस, पैरामीटर है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो पहले का पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई साइड मतलब 4x और सेकंड का 4 मल्टीप्लाई मतलब 4y कितना है, 24. 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, x माइनस वाई बच गया अंदर, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में. तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6. तो अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें निकाल के इसमें पुट कर देंगे, मतलब यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड. x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई,
तो ये पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर वन में. तो 6 + y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एज इट इज, या होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी. a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 × 6 × y मतलब 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y एज इट इज प्लस 36, ये प्लस का इधर आके माइनस. अब बाकी ये सब सेम, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. तो इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 432. सब में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों साइड से 2 कॉमन ले लिया, या कह सकते हो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड. तो ये वैल्यू आ गई, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से कॉमन लिया है. तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स बना दिए 18 और 12, 18 में से 12 गए प्लस का 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 216. सेम दोनों पेयर बना दिए, दो दो में से क्या कॉमन आ गया, कॉमन लेने के बाद हमारे दो फैक्टर आ गए y प्लस 18 और y माइनस 12. तो आइधर ये 0 या फिर ये 0 होगा. यहाँ से y की वैल्यू एक बार आ गई माइनस 18 और ये 12, और ये दोनों स्क्वेयर्स की साइड थी और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहीं से ये क्या हो गया, रिजेक्ट. तो y की वैल्यू आ गई 12, बट हमें x की भी निकालनी है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में y की वैल्यू, ताकि वहां से किसकी वैल्यू निकाल सके हम x की. तो x होगा 6 + y मतलब 6 + 12 विच इज इक्वल टू 18. तो x की आगे मतलब 1 स्क्वेयर की साइड आ गई x, x मतलब 18 और सेकेंड की कितनी आ गई 12. ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए 18 और 12.